एनालॉग गियर मच वार्मर मच बेटर साउंड करते हैं डिजिटल से, क्या ये सच है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं बात कर रहा हूं एनालॉग वर्सेस डिजिटल गियर के बारे में। नाउ ऑब्वियसली मैंने अपना इंट्रो चेंज किया क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई बहुत वियर्ड लगता है, आप जंप क्यों करते हो, आप एडम आईवी को कॉपी क्यों करते हो। तो यार मैंने सोचा क्यों ना दोबारा हम बेसिक्स पे वापस जाए और क्योंकि टाइम भी ऐसा है। तो नमस्ते। तो हर जनरेशन उस म्यूजिक को प्रेफर करता है जिनको सुनते हुए वो ग्रो हुए हैं या जिनसे वो अडॉप्टेड है। ना ऑब्वियसली क्योंकि मैं 90s का किड हूं तो मुझे बैंड्स जैसे पर्ल जैम, मेटालिका, लिंकिन पार्क, इन जैसे बैंड्स मुझे ज्यादा पसंद है। जबकि मेरे डैड को, मेरे फादर को शायद ऐसे म्यूजिक पसंद नहीं होंगे, उनको बैंड्स लाइक कार्पेंटर्स, आबा, ईगल्स पसंद होंगे। और इसका जो ओनली रीजन है वो है कि उनका इमोशनल अटैचमेंट है उन बैंड्स के साथ और मेरा इमोशनल अटैचमेंट है इन बैंड्स के साथ, जिसकी वजह से ये टेस्ट में डिफरेंस है। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। Dire Straits एक ब्रिटिश बैंड है जो 1977 में फॉर्म हुआ था और उनके बहुत सारे सिंगल्स हैं, बहुत सारे एल्बम्स हैं, लेकिन जो सबसे फेमस, जो सबसे हिट उनका एल्बम है वो 5th एल्बम है जिसका नाम है ब्रदर इन आर्म्स और ऑलमोस्ट 30 million कॉपीज उसकी सोल्ड हुई है। ऑल्सो उनके लिए ये वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग्स थी जो डिजिटली रिकॉर्डेड, मिक्स्ड और मास्टर्ड थी। तो क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये एनालॉग या डिजिटल गियर है ये एक मीडियम है आपके आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। फाइनली जो मैटर करता है वो है आपका आर्ट, क्योंकि क्वालिटी जो है वो आपके आर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि आपके मीडियम के ऊपर। इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंटेंट इज द किंग और कोई मैजिकल एनालॉग गियर नहीं होता जिससे आपके बुरे सॉन्ग्स अच्छे सॉन्ग करने लग जाए। ऑल्सो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि इसी तरीके से म्यूजिक का इवोल्यूशन होता है, नए टूल्स की वजह से नया म्यूजिक आता है जिससे फाइनली नया जॉनरा क्रिएट होता है या नया स्टाइल ऑफ म्यूजिक क्रिएट होता है। ट्रॉपिकल हाउस या डबस्टेप जैसे म्यूजिक शायद पॉसिबल नहीं होता 1969 से पहले, जब सारे एनालॉग सिंथ थे, मूग वगैरह जब यूज हो रहे थे, तो शायद इस तरीके का म्यूजिक पॉसिबल नहीं होता उस टाइम पे। और अगर आपको पता नहीं है कि डिस्टॉर्शन कैसे बना था, तो लोग पुराने जमाने पे अपने गिटार एम्प्स को पुश कर रहे थे, जो उनके लिमिट्स थे, जो एम्प के लिमिट थे उनके लिमिट से ज्यादा पुश कर रहे थे उन एम्प्स को, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन बना था। और उस टाइम जो लोग ज्यादा सुन रहे थे वो है जैज म्यूजिक, जैसे मोर ऑफ लेस पॉल स्टफ वो सुन रहे थे और उनको लगता था कि जो डिस्टॉर्शन का आइडिया है ये बहुत बेकार साउंड करता है। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स को ये आइडिया पसंद आया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पूरे आइडिया के साथ, डिस्टॉर्शन के आइडिया के साथ, और गेस व्हाट, एक नया जॉनरा बन चुका था। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बैंड जैसे मेटालिका, एडी वैन हेलन, वो प्ले कर रहे हैं अपने क्लासिक्स विदाउट डिस्टॉर्शन के? तो इस पूरे बात को अगर हम सम करें तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एक लैपटॉप, एक माइक और एक इंटरफेस से अपने बेडरूम पे बैठ के अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं, तो क्या जरूरत है आपको एक्सपेंसिव एनालॉग गियर में इन्वेस्ट करने की? फॉर श्योर अगर आपके पास अच्छा एनालॉग गियर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप यूटिलाइज कीजिए, अच्छा है, गुड फॉर यू। बट अगर आपके पास वो गियर नहीं है तो शायद आज के टाइम पे 2020 पे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी उन गियर्स में दोबारा इन्वेस्ट करने की। फाइनली मुझे ये भी लगता है कि आपको चेंज की खूबसूरती को समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, जो चेंज इन गियर हो रहा है, उसकी खूबसूरती को समझना चाहिए और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको ये म्यूजिकली कहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ मैं कंपेयर कर रहा था एनालॉग और डिजिटल गियर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।